हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। तो कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो होता है जो उसके मैन्युफैक्चरिंग करने पे, उसको प्रोड्यूस करने पे जो एक्सपेंसेस आता है प्रोड्यूसर का। तो व्हाट एवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए आउटपुट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को बनाने में जो भी फैक्टर और नॉन फैक्टर पे कॉस्ट आता है वो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कहलाता है। जो एक्सपेंसेस आता है वो उसका कॉस्ट कहलाता है। नाउ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दीज टू टर्म्स आर देयर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके बारे में जानना होगा ये होता क्या है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जो कॉस्ट या जो एक्सपेंसेस जो ऑनर है वो खुद करता है, अपने से करता है, और उसका जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होता है उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सपोज कि कोई ऑनर है और वो खुद वर्क कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ एक इनकम होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ एक कॉस्ट होना चाहिए। दूसरी बात अगर लें तो अगर ऑनर है, उसकी खुद की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को उन्होंने प्रोडक्शन में लगा रखा है, आउटपुट के लिए लगा रखा है, तो उस बिल्डिंग की जो रेंट होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। अगर वो ऑनर खुद काम करता है तो उसकी जो वेजेस होती है वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। इस तरह के जो कॉस्ट होते हैं वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आते हैं जो ऑनर खुद करता है। ओके, अगर ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए तो उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट कहीं से मिलता तो वो इंटरेस्ट जो है अभी इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर ही आएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आउटसाइडर को पे किया जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज पेड बाय द ऑनर और द फॉर्म टू द आउटसाइडर्स। जिससे आप रॉ मटेरियल्स खरीदो या लेबर को पेमेंट करो या व्हाट सो एवर द एक्सपेंसेस गिवन टू या इनकर्ड टू द आउटसाइडर्स, दूसरों को जो दिया जाता है किसी भी खर्च के लिए, किसी भी एक्सपेंसेस के लिए, तो दोज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है इसका, इसको TFC भी कहा जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहता है, चेंजेस नहीं होता। व्हाट सो एवर प्रोडक्शन इज देयर, प्रोडक्शन के साथ इस कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आता। प्रोडक्शन का लेवल चाहे जितना, आउटपुट चाहे जितना बढ़ जाए, यहाँ 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 जितना आ जाए, ये जो कॉस्ट है ये हर बार सेम रहता है। इसको आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई है तो अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें आप चाहे प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करो या जितना कम करो, उसकी जो कॉस्ट लगनी थी वो लग चुकी, वो होगा। तो ये कहा जाता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो जीरो प्रोडक्शन पे भी वही होता है, सेम होता है जो मैक्सिमम प्रोडक्शन पे होता है। तो फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, नो चेंजेस इज देयर। Even at the zero level of output, fixed cost is the same. Now the variable cost. So variable cost are those cost which can be vary, which can be changed on the basis of production, on the basis of output. If the firm wants to increase their output, the variable cost increases. And if they want to reduce the output, variable cost also decreases. अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्शन कम करना है वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, बिकॉज दे कैन बी चेंजेस, इट कैन बी चेंजेस। नाउ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ
टीएफसी एंड टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट विल गिव्स यू टोटल कॉस्ट। अगर टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हमको मिलता है टोटल कॉस्ट। मतलब कुछ खर्चे जो होते हैं फिक्स होते हैं, जैसा हम लोगों ने भी बात किया, कुछ खर्चे जो होते हैं वेरिएबल होते हैं जो चेंजेस हो सकते हैं, और दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो आता है टोटल कॉस्ट। आप ये देखोगे इस डायग्राम में, इसमें हमेशा ये जो है इसके पैरेलल है और ये दोनों टीसी और टीएफसी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है। नेक्स्ट वन इज द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जैसा कि नाम से पता है कि यहाँ पे एवरेज की बात होती है। एवरेज मीन्स द एवरेज इज अ मैथमेटिकल टर्म यू हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस, वेयर द टोटल आउटपुट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। सेम थिंग इज हियर। तो एवरेज कॉस्ट इज एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। ओके, नेक्स्ट दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज द आउटपुट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय आउटपुट विल गिव्स यू द एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट। इन द सेम वे दिस इज द एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू मीन्स आउटपुट। एंड द दिस वन इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर वन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।